रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 7 मैथ्स लेक्चर नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 4 11.2। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल एक्स वाई जी हूज पेरीमीटर इज 13 सेंटीमीटर एंड 3:4:5 इज द रेशियो अमंग द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। पेरीमीटर हमारे पास गिवन है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया, सेम एज इट इज़। इसमें हमारे पास पेरीमीटर 13 है, उसमें 10 था। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 13 हमने इसका पेरीमीटर ले लेना, 0 पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और 13 तक जाएंगे। पहले मार्क कर देंगे उसको, मार्क करने के बाद हम उसको लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइन ड्रॉ करके हमने क्या करना है, उसको नेम राइट करना है उसका। हम अगर इसको नाम देते हैं पी और इसको नाम दे देते हैं क्यू। इसमें ना जब नेम देते हैं ना तो इसको कैपिटल लेटर से शो करते हैं। और ये हमारे पास है 13 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आप देखें कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। हमने एक्यूट एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। पहले हम पॉइंट पी से एक्यूट एंगल ड्रॉ करेंगे। एक्यूट एंगल जो होता है वो स्टूडेंट्स डू यू नो केवल लेस देन 90 होता है और हम कोई सा भी बना सकते हैं। अब यहाँ देखें, हम इसको लेते हैं एक लाइन, हमने एक्यूट एंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसी तरह हम क्यू से ड्रॉ करेंगे एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल सेम होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फिर ही ग्रेस आएगी उसकी, उसकी नीटनेस आएगी। अब उसके बाद आप देखें, हमने डिवाइड पी क्यू इन गिवन रेशियो 3:4:5। स्टूडेंट्स, अब हमने ये एक्यूट एंगल ले लिए। अब हम उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रेशियो के मुताबिक करेंगे। 3 + 4 = 7 + 5 = 12। अब हमने 12 आर्क्स लगानी, छोटी छोटी आर्क लगेंगे, बहुत नीटली लगानी है। 1, 2, डिस्टेंस सेम रहे, कम ज़्यादा कंपास को नहीं करना। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब ये देखिए हमारे पास 12 हो गई। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। सेम एज इट इज़ हम इधर क्यू से लगाएंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने ये 2 आर्क्स लगाए, ये 2 हमने रेज ली थी और उसके बाद हमने 12 आर्क्स लगा दी थी अकॉर्डिंग टू रेशियो। अब हमें अकॉर्डिंग टू रेशियो क्या चाहिए, फर्स्ट 3 पार्ट चाहिए पहले। अब हम क्या करेंगे, पहले पी को हम इसके साथ मिला देंगे, पॉइंट को पॉइंट के साथ मिलाना है, आप लोगों ने आग को आग के साथ नहीं मिलाना। अच्छा जी, 3 पार्ट्स करने हैं। 1, 2, 3 यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद 1, 2, 3 फिर यहाँ पे रखेंगे। ये हमारे पास आपने काउंट करके ये 3 रख लेना है, पॉइंट को पॉइंट के साथ, ये पॉइंट को पॉइंट के साथ मिला। 1, 2, 3 पार्ट हो गए। उसके बाद हमारे पास 4 पार्ट है, 1, 2, 3, 4। अब हमने इसको मिलाना है, इसको हमने इस पॉइंट को किस पॉइंट से मिलाना है, 1, 2, 3, 4। अब इस पॉइंट को मिलाना है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करना है, पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, आर्क्स को नहीं करना। ये पॉइंट्स वन, ये 4 हो गया और बाकी हमारे पास पीछे 5 रह गए, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वन हमने मिला देना, ये हम इसको ज्वाइन करेंगे। आपके पास ये लाइन सेगमेंट जो है वो डिवाइड हो गई 3:4:5। अब हमने क्या करना है, हमने इसके जो हैं यहाँ पे इसका नाम आएगा, अब देखिए हमने ये गिवन रेशो के मुताबिक हमने लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर लिया।
अब हमारे पास ट्रायंगल का नेम जो है वो गिवन है एक्स वाई जी, तो हम इसको पॉइंट के ऊपर पॉइंट आपने लिखना है, ये एक्स हो गया और ये आपके पास वाई आ गए, ठीक है, ये एक्स वाई आ गए टू पॉइंट। अब हमने बिल्कुल जैसे पहले किया है क्वेश्चन नंबर थ्री में, हम रेडियस लेंगे पी एक्स के इक्वल, पी एक्स के इक्वल रेडियस लेकर हमने, हाँ जी स्टूडेंट्स, पी एक्स रेडियस लेकर हमने आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है, ये आर्क हमने ड्रॉ कर ली, ठीक। अब उसके बाद हमने क्या लेना है, हमने y से q तक, qy या yq, हमने q और y का डिस्टेंस लेना है, बिल्कुल आप पेंसिल शॉर्प रखें, टिप उसका बारीक होगा तो सेम बनेगा और बहुत नीट बनेंगे जी। चलें जी, ये आपके पास वाई क्यू आ गया डिस्टेंस। अब आपने y पे रख के इसको जो है वो आर्क लगानी है, इधर से इधर से शुरू कर लें, इधर से शुरू कर लें, सेम थिंग, ठीक है। अब ये हमारा पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया, उसको हम हाईलाइट करेंगे बैक से हाईलाइट करके हमने उसको ज्वाइन कर लेना है एक्स और वाई के साथ। ये जो पॉइंट हमारा आया है ये जी पॉइंट है। अब हमने पॉइंट को पॉइंट के साथ करना है, जो हमने हाईलाइट किया हुआ उसको थोड़ा सा उससे पीछे रखना है, उससे क्या होगा बहुत नीटनेस आती है और पॉइंट पॉइंट के साथ ज्वाइन हो जाता है, मेरा थोड़ा सा फ़र्क आ गया, ठीक। अब आप लोगों ने इसको वाई के साथ भी ज्वाइन करना है, इसी पॉइंट को, जो पॉइंट है आपके पास ये बिल्कुल सेम, ये आप लोगों की रिक्वायर्ड जो है वो ट्रायंगल आ गई। अब इसको जो ये जो पॉइंट हमें आया था टू आर्क्स से मीट हुई थी, ये पॉइंट हमारे पास आ गया था जी पॉइंट, पॉइंट जी पॉइंट आ गया। अब हमारे पास ट्रायंगल बन गई एक्स वाई जी, ये रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं, नंबर वन, ड्रॉ पी क्यू लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, डिवाइड पी क्यू इन गिवन रेशियो 3, 4 and 5 विद सेंटर एक्स, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस पी एक्स, देन स्टेप नंबर फोर, विद सेंटर वाई ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस वाई क्यू या क्यू वाई, और बोथ आर्क्स मीट एट पॉइंट जी, इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, और सिक्स, ज्वाइन जी टू एक्स एंड वाई, हेंस ट्रायंगल एक्स वाई जी इज रिक्वायर्ड ट्रायंगल। स्टूडेंट्स आई होप कि आपका काम बहुत नीटली आएगा, करेक्ट आएगा, नीटली आएगा, और डू मोर प्रैक्टिस। अल्लाह हाफिज़।